थोड़ा नीचे को। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी लोगों का ललित कॉलोनी व्लॉग्स में। पहले शुरुआत करने की जिद कर रही थी और उसके बाद शुरू नहीं करा आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस ठंडी और मीठी आइसक्रीम के साथ। एक दुर्घटना हो गई थी अभी अभी। ये आइसक्रीम है, आप दिखाओ तो एक बार बहन जी, प्लीज प्लीज दिखाना यार। ये देखो, ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये आइसक्रीम है? ये हाल है इसके यार, तीन चार लोग खा के खत्म कर चुके हैं और ये जूस बना दिया इसने आइसक्रीम का। तो आप लोगों ने एक चीज गौर करी है, इसके हंसने का तरीका जैसे वो करता है घोड़ा ही नहीं नहाता है। कल्पना जी जैसा हो गया। कौन बोलता है काम नहीं है, टीवी देखो, लेट जाओ, ये नहीं है कुछ काम वाम कर ले हैं? है नहीं है कुछ काम। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5 और अभी हमारे लिए आ रखी है ये प्यारी सी चाय, और उसके बाद आ रखी हैं हमारी बहन जी सृष्टि। अरे पता नहीं कॉर्निटोज लाई या लेज, लेकिन ये हमारे लाई है लेज। तो पहले हम खाएंगे लेज। दे ना, आप क्यों नहीं दे रही, मुंह छुपा रही है। वैसे मुंह छुपाने की जरूरत भी है ही, इतना गंदा, इतनी खतरनाक है ना ये। इसने एक एक दिया और उसके बाद पूरा पैकेट अपने पास लेके बैठ गई है। शर्म तो आनी दी होगी बिल्कुल। कहाँ दे रही है, हाथ में पकड़ दे रही है उसे बिल्कुल, और कह रही देर सी हूँ बल उसमें उस पर से। वाह, पूरा खा गई है यार, पूरा का पूरा बचा है इसके अंदर, देख लो कुछ। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों एक थोड़ा शर्म की बात भी है, और मतलब अब क्या बोल रहा हूँ उस बात के लिए, मेरे को वृंदावन से आए भी लगभग हो गए 10 दिन, और मैं सब लोगों के लिए मतलब जस्सू के लिए, कल्पना के लिए, निकिता के लिए, इन सब लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेके आ रखा था, गले के लिए लॉकेट वगैरह, तो वो मैं दे नहीं पाया हूँ अभी तक। तो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले इन लोगों को लॉकेट वगैरह देते हैं और उसके बाद देखते हैं इन लोगों का रिएक्शन क्या रहता है। Surprise! तो ये 2-3 लॉकेट ये हैं और लगभग 5 लॉकेट ये हैं, इसके अलावा 2-4 ये धागे टाइप के हैं, ये भी लेके आया था। अभी देखता हूँ जस्सू को कौन सा पसंद आता है और वो कौन सा वो लेती है। तो चलते हैं जस्सू के पास और फिर उसी से पूछते हैं कि उसे चाहिए कौन सा वाला। चलो तो जस्सू के लिए ला रखे हैं हम ये रेड वाले। जस्सू बेटा सोने के क्या है? अरे अपने आप ले रही है तो। ये क्या मतलब है भाई, ये लाया हूँ ये क्या 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 दो वाले। कौन से वाले? मुझे को इसका ये अच्छा लग रहा है वैसे यार। हैं अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं लगेगा। मोर हैं? मोर मोर है इसमें? कहाँ है मोर? पिकाक। और क्या है इसमें? बांसुरी। बांसुरी चले तो, लेकिन ये वाले हैं, वाला वापस कर दे फिर। ठीक है, इसकी तो मैं नहीं सहता यार। सिब्बो उसका मुंह देखो एक बार। अरे ए बेटा दे दो ना, ए बेटा आंसू आने वाले हैं। इतने दिनों से बोल लिए बेचारी दे दो वाला, फिर भी नहीं दे रहा। उसने नहीं बोला यार, खाली मत कह यार, कहाँ उसके आंसू आ गए। सिब्बो सिब्बो ऐसा क्यों कर रहा है यार भाई, रुला दिया उसे मैंने। ले यार ले, जस्सू ले, नहीं जस्सू ले 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 ले, जल्दी दो। अरे ले यार ले यार ले यार, अरे ले यार भाई यार, यही वाला लाया, दोनों लाया हूँ तेल ले। अरे कैसी बातें कर रही है तू, नहीं नहीं मैं तो लाया ही इसी के लिए। नहीं नहीं उतने दिनों से वो बोल ली है दे दो तब आप दे नहीं रहे हो क्या? उसी के लिए तो लेके आया मैं ये। तो दोस्तों सृष्टि हो गई है गुस्सा, क्योंकि उसके लिए लाया हुआ सामान उसको मिल चुका है, लेकिन जो उसे पसंद था वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उसे दे रहा हूँ, लेकिन अब वो जिद कर रही है कि नहीं चाहिए, तो फिर लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दूंगा ही नहीं। दे लिया, दे पकड़ लिया, ये रख ले तू वो भी। लो यार हैं, रोना मत यार प्लीज यार। अरे कोई बात नहीं यार, अरे कोई बात नहीं जस्सू, कोई बात नहीं यार, रो क्यों रही है, पकड़ ली है क्या है? अरे खुशी के आंसू है। इसकी बात सुन रहे हो, लॉकेट छोटा है बल। जैसे ये आदत हो गई ना, जैसे गाय भैंसों को गले में बांधते, गलियों कहते हैं पहाड़ी में, उसको मात के खूंटे से बांध दो टाइप का, लंबा चौड़ा चाहिए। दिमाग छोटा है, गला बहुत बड़ा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यार ये बेटा, इसके गले में नहीं आ पा रहा दोस्तों, कैसे होगा। चल फिर चलो आगे करके दिखा, उल्टा ना हो बस। उल्टा कैसे होगा, लॉकेट है, लॉकेट तो अच्छा लग रहा है। पहन लिया यार, ऊपर कर सकल देखें, लॉकेट तो अच्छा लग रहा है, लॉकेट तो अच्छा लग रहा है, बस तेरी सकल। ओ
लॉकेट बहुत अच्छा लग रहा है, बस तेरी शक्ल भी अच्छी होती ना मजा ही आ जाता। कैमरे में देखो कबूतर निकलेगा। तो धन्यवाद सौरभ दा, आप हमें हमारे लिए मोमो लेके आए हैं। अब भले ही तुम कितना ही झूठ बोलो, देखो कि तुमने चौको मिनीस नहीं दी थी, लेकिन आज तो हमारे पास मोमो खिलाए देगा सबूत है यार, है ना। तो धन्यवाद, तो आप लोगों से मिलते हैं मोमो खाने के बाद। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 10 लगभग 9:30 के आसपास, और हम आ रखे हैं कल्पना दीदी के घर पे। और अभी अभी बात चल रही कि जब अर्पित की शादी होगी। अर्पित की नहीं, हाँ शादी नवंबर में, शादी करने वाला है। नवंबर में किसकी है? दादा की शादी है। तो बेटा मैं दूंगा 5,000, तू साड़ी में, शादी में जाएगा, लेकिन 5,000 रुपए दोगे? हाँ पहले 5,000 रुपए दोगे तो बराती। सुनो ना, लांचा पहन लेना बोल भाई साहब, लांचा। अब इसकी अगर मैं थोड़ा ढंग का एडिटर होता ना, मैं तो तेरी ऐसी कर फोटो लगाता किनारे पे स्क्रीन पे लांचा पहने हुए टाइम। बना दे एक बार, इसने साड़ी पहनी और फिर तेरी मम्मी का डांस भी सिखाया इसने। ये सच्चुदा की मम्मी ऐसा करती है, और प्रिया की मम्मी ऐसा करती है, भूमि की मम्मी ऐसा करती है। इसने अर्पित ने डांस करके दिखाया साड़ी पहन के बेटा। और क्या बोल रही, साड़ी खुल गई थी? अरे मतलब ऐसे कपड़े भाई, साड़ी तो क्या, साड़ी पहनने में कुछ वो तो बहुत पहले की बात है। देखो आप लोग सोचते हो जेंडर इक्वालिटी नहीं है, अर्पित देखो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। वो पहले छोटे में किसका जैसा हमारी चल रही है पार्टी, क्योंकि बजने वाला है 10, और खाना खाने के बाद भी हम लोग खाने वाले हैं कुछ। और हमारे लेके आ रखी है कल्पना दीदी कैंटीन से हाइड एंड सीक मिलानो कलेक्शन, ऐसा कुछ लिखा है। और दूसरी चीज हमारे पास कॉर्निटो नाटो नाचो क्रिप्स, ठीक है। तो अर्पित जी अभी गए हुए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे, उसके बाद खाएंगे हम ये कॉर्निटोज, आप लोगों को दिखाएंगे कितने टेस्टी और यमी है ये। चीज वाले तो दोस्तों कॉर्निटोज खत्म कर दिए, और अर्पित दादा एक भी नहीं खाया, तूने सारे खा लिए। अर्पित दा अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और यहाँ पर चल रही है कोल्ड ड्रिंक की पार्टी। मम्मी दो ग्लास पी रही है। ये हमारे पास एक पेंचर है ना, वो पेंचर वाली रख रखी है बल जानबूझ के। कल्पना दीदी तू नहीं लग रही यार नेपाली, जस्सू लग रही है आजकल। मम्मी ऐसे करती कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ऐसे उछाल उछाल के जैसे वो नहीं करते हैं। अच्छा इम्पोर्टेंट तो वही है, तू तो खाली बोझ है। तू डायलॉग क्यों मार रहा है फिर से, आधा आधा कर खुद ही करके दे दे आधा। तुमने खाना नहीं खाया, ला बताओ क्या आधा। अब चल, ये मेरी मम्मी की दूसरी संतान है। लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट वही है, देखो कितने दे दिए यार बेटा। चिंता कितनी है देख, मेरे लड़के की एक बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बोला कोल्ड ड्रिंक मुझे कोल्ड ड्रिंक ही नहीं मिली, मुंह में फेंक दूंगा ना जब। बैग अब बैग अब बैग अब बैग भाई पंगा हो गया। अरे भाई मैं फेंक दूंगा कोल्ड ड्रिंक, फेंक दूंगा कोल्ड ड्रिंक तो है। मैं तो नहीं कर रहा था, तू नहीं किया कुल्ला। अब नहीं होगा कल पर, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन कुल्ला कर रखा है यार मुंह पे। सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और एक बहुत ही शानदार सीन आप लोगों के सामने आते आते रह गया है।
इसके कुल्ला कर दिया यार मुंह पे यार। अब देखिए, अब आप देखेंगे दूसरे आदमी की एक्टिंग कैसी की जाती है। क्या बोलती है गार्डन कैसे, क्या बोल रही थी? अभी मैं जा रही हूँ। मैं चाबी कहाँ रखी है गाड़ी की? ओ मिल गई, मिल गई। तुम गलत कर रही हो, ऐसे ही वाली थी। आंटी आंटी एक बार एक बार एक बार एक बार बताओ तो सही ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं ऐसा नहीं बोल दी। मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी आ गई थोड़ी देर। कौन बोलता है? वो जो पीछे बैठी थी SBI की मैनेजर है। मुझे स्कूटी बेटा, शादी शुदा उसके बच्चे भी हैं। हट, वो बोल, वो तो पहचान का ही है ना मुझे। मीनवाइल बॉयज आई आई आई, चंदनी का तो है। हाँ बलवीर चंद जी होंगे वो तो ठीक है, लेकिन वो हेलो ये इन सब के बीच में वो बात कहाँ से आई? उसकी शादीशुदा बच्चे, जब मैं फॉर्म भरने गया था तो उसने बताया होगा, तो उसने बता दिया होगा तुझे। हमने बैंक अकाउंट है, हमने बैंक अकाउंट का फॉर्म भरने गया था तो उनने वो उनके बच्चे आए थे वहाँ को। लेकिन तेरा बैंक, तेरा अकाउंट तो बैंक का बड़ा था, मैं ऐसा खुला खोलने गया था, नहीं खोला मैंने। अच्छा दादी दीदी फोन आता तो उठा लिया करो, फोन कुछ काम होगा ऐसा कहता मैंने। तो दोस्तों 7-8-9 जून के आसपास हम लोग जाने वाले हैं शायद आदि कैलाश सोन पर्वत की तरफ। तो मैं बता रहा था, दीदी बता रही थी कुछ हमें, मैं सोच के सोच रहा था जैसे कनिका जा रही थी फन सिटी, तो निकिता और मैंने पूरे आधे घंटे का फन सिटी का व्लॉग देख के खुश हो गए। तो आदि कैलाश जा रहे हैं, हम उसका व्लॉग देख के खुश हो जाएंगे। आप लोग भी देखना और आप लोग भी खुश हो जाना, ठीक है? तो स्नोफॉल कह रही है, हमारे जमाने में तो बर्फ गिरेगी कहते थे, अब पता नहीं हम थोड़ा पुराने टाइप के होंगे। तो आइस गिरेगी, आइस आइस तो फ्रिज में गिरती थी दीदी, आइस और स्नो में तो अंतर होता ही है। वही वाली आइस गिरेगी। दोस्तों आप इसकी शक्ल देख लो, ये वही शक्ल है जिसके ऊपर अर्पित ने कुल्ला किया था। ओहो मेरा गोरी हो गई, मेरे कुल्ला करा तो। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। तो अभी बज गए हैं रात के कितने, 10:30 10:30 बज गए हैं, ऊपर चंदा मामा आ गए हैं। तो अभी चलते हैं घर को और आप लोगों से मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा हुआ तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है? तो कल मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद जय भारत डॉगी।